हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं तिल के लड्डू। जब भी हम तिल के लड्डू बनाते हैं तो अक्सर ये प्रॉब्लम आती है कि या तो हार्ड हो जाते हैं या तो फिर बनते नहीं हैं। लेकिन यदि आप मेरे बताए हुए तरीके से बनाएंगे तो आपके लड्डू ना तो हार्ड होंगे और वो परफेक्टली बनेंगे भी, और बिल्कुल चिकने चिकने और गोल लड्डू बनेंगे। तो फिर चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। परफेक्ट रेशियो का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जितना आप तिल लें उतना ही आप गुड़ भी लें, ये बिल्कुल परफेक्ट रेशियो होता है। तो मैंने यहाँ पे एक बाउल तिल लिया है और एक बाउल गुड़ लिया है। ये दोनों ग्राम से देखें तो 150 ग्राम होंगे। इसके बाद मैंने आधा चम्मच प्योर घी लिया है और एक चम्मच मैंने पानी लिया हुआ है। ये रेशियो बिल्कुल ध्यान रखिए, आपके लड्डू बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। अभी हम क्या करेंगे कि मीडियम फ्लेम पे हम एक पैन को गरम करेंगे और इसमें तिल डाल देंगे और पहले तिल को हम भून लेंगे। तिल का जब थोड़ा कलर चेंज होने लगेगा और थोड़ा सा ये फटने लगेगा, इट मीन्स कि तिल जो है वो हमारा भून चुका है। उसी समय हम इसे गैस से नीचे ले लेंगे। तो जब भी आप तिल के लड्डू बना रहे हो तो तिल को ज़रूर भूनें। भूनने से क्या होता है कि खुशबू भी अच्छी आती है और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पे तिल जो है वो हमारा भुन गया है, इसके कलर भी चेंज हो गए हैं और ये फटने भी लगा है। अब हम इसे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अभी हम क्या करेंगे कि इसी पैन में घी, पानी और गुड़ को डाल देंगे और इसकी चाशनी बनाएंगे। तो हमें गुड़ को लगातार चलाते हुए इसकी चाशनी बनानी होगी। ये देखिए, गुड़ हमारा जो है वो मेल्ट हो गया है। यहाँ पे चाशनी का कलर जो है वो चेंज होने लगा है, लेकिन चाशनी अभी हमारी पकी नहीं है लड्डू बनाने के लायक, तो हम इसे थोड़ा और पका लेते हैं। यहाँ पे हमारी चाशनी जो है वो लग रहा है कि रेडी हो चुकी है, तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए एक बाउल में थोड़ा पानी ले लीजिए और 2-3 ड्रॉप चाशनी की डाल दीजिए और इसको इकट्ठा करके देखिए। यदि ये इकट्ठा हो जाता है और इसके लड्डू बन जाते हैं, इट मीन्स कि हमारी चाशनी है वो रेडी है। और अगर लड्डू नहीं बन रहे हैं, पानी में बिखर जाता है हमारा चाशनी, तो अभी चाशनी हमारी रेडी नहीं हुई है। तो यहाँ पर हमारी चाशनी जो है वो परफेक्ट रेडी हो गई है। अब हम यहाँ पे डाल देंगे तिल जो हमने भून के रखा था और इसको गुड़ के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चाशनी को बिल्कुल ठंडा ना होने दें, जब ये गर्म रहे तभी तिल डाल दें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ठंडा होने के बाद तिल मिक्स नहीं हो पाएगा और लड्डू भी नहीं बन पाएंगे इसके। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तिल गुड़ के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम इसके लड्डू बनाना शुरू करते हैं। तो लड्डू बनाने के लिए दोनों हाथों में थोड़ा सा पानी हम ले लेंगे और इस तरह से थोड़ा थोड़ा मिक्सर लेते हुए हाथों से दबा करके हम पहले तो सारे मिक्सर का रफ सेप में लड्डू रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे लड्डू जो हैं वो हमारे रेडी हो गए हैं, लेकिन ये कोई भी शेप में नहीं है। तो इसे शेप देने के लिए हम एक छन्नी लेंगे और सारे लड्डू को इस छन्नी में रख देंगे। ये प्रोसेस भी आप तभी करें जब हल्का हल्का गर्म हो लड्डू। इसके बाद हम इस तरह से इसको हिलाएंगे। इस तरह से क्या होगा कि जो सारे लड्डू हैं वो बिल्कुल गोल शेप में आएंगे और बिल्कुल चिकने बनेंगे।
तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स कि लड्डुओं का शेप जो है गोल होने लगा है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे लड्डू कितने अच्छे रेडी हुए हैं, बिल्कुल चिकने और गोल शेप में। तो फ्रेंड्स यदि आपके पास ज़्यादा लड्डू है तो आप 2-3 ट्रिप में करके इस तरह से हिला करके छन्नी में और उसको बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि हमारे लड्डू जो हैं वो कितने परफेक्ट रेडी हुए हैं। तो इस बार मकर संक्रांति में आप इसी तरह से तिल के लड्डू बनाएं, खाएं और सभी को खिलाएं, सबको बहुत ही पसंद आएंगे। ये बिल्कुल भी कड़क नहीं है, सॉफ्ट भी हैं और मीठे भी हैं। तो यदि आप रेसिपी का ध्यान रखेंगे तो आपके लड्डू भी ऐसे ही परफेक्ट बनेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए फिर आप इस संक्रांति में इस तरह से लड्डू बनाइए और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी थी। और यदि मेरे वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह किसी अच्छे हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ।